तव्हां शामिल कंदासीं हिन वक़्त जूं हेडलाइंस। कौमी असेंबली में मिनी बजट जो पड़ाडो, मिनी बजट मामले ते अपोजिशन पारा हुकूमत ते छो छंडी दे सख्त तनकीद। डिप्टी स्पीकर कासिम थोरी की सदारत में कौमी असेंबली जो इजलास। नून लीग के ख्वाजा आसिफ चवाए तो पाकिस्तान एक सिलेंडर 1971 में कयो हो, उनका वधी खतरनाक सिलेंडर हाने कयो पियो वञे। हुकुमरान पाकिस्तान जे खुद मुख्तियारी के सिलेंडर करे वञी रहा आहिनि। मिनी बजट ए मरकजी बैंक बाबत बिल खुद मुख्तियारी खत्म करण जी मुतरादिफ आहे। स्टेट बैंक में अगवाटी गवर्नर जे नाले ते वायसराय अची चुको आहे। स्टेट बैंक IMF जी लोकल ब्रांच बणजी वई आहे। मुल्क हिन वक्त आलमी मालियाती इदारनि जी कानूनी बणजी वियो आहे। राजा परवेज अशरफ चयो तमाम अगवाटी महांगाई सबब तबाह हाल आहे। मिनी बजट से आवाम के अहजन में वधीक इजाफो थींदो। सेनेट इजलास में पीपी सेनेटर श्री रहमान पारा कौमी सलामती पॉलिसी ते सवाल उथारण ते हुकूमती मेंबरन जी मुदाखलत। गोड़ अपोजिशन जो सख्त एहतजाज। अपोजिशन ए हुकूमती मेंबरन जे चेयरमैन जी डाइस आडो एक बे खिलाफ नारेबाजी। मुखालिफ धुर जे मेंबरन जो कौमी सलामती पॉलिसी ऐवान में पेश न करण खिलाफ वॉकआउट। श्री रहमान जो चवण है कौमी सलामती के मामले ते पार्लियामेंट के बायपास किया वो। कौमी सलामती पॉलिसी सेनेट में छो पेश न कई वही। TTP जैं पाकिस्तान खिलाफ जहाद जो ऐलान किया है। अवा उन माफ करण ए खेन कबूल करण वही रहा हो। उन पॉलिसी से पाकिस्तान महफूज थी नो। हर पार्टी चाहे थी तो एस्टेब्लिशमेंट उन जे मथे ते हथ रखे। एस्टेब्लिशमेंट जो फैसलो आहे तो उहा चूंडियल हुकूमत जो साथ दींदी। अपोजिशन मार्च जरूर करे पर मार्च में न पंहिंजे फैसले ते नज़रसानी करे। नवाज शरीफ के अचण सां को फर्क न पवंदो। टे माण्हू हिते आहिनि। सियासी ताबूत के खणण जा चार पावा घुर्बल हूंदा आहिनि। इमरान खान की एजेंडा महंगाई जो खात्मो आहे। वफाकी घरू वज़ीर शेख रशीद। बिजली 4.83 रुपया फी यूनिट वधीक, महंगी थियण जो इम्कान। नेपरा चेयरमैन माहवार फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद ते बिजली महंगी करण बाबत दलील बुधण का पोए फैसलो महफूज कर छो। मंजूरी से वापेदारन ते 29 अरब रुपये जो इजाफी बार पवंदो। नेपरा चेयरमैन के समूरन पावर प्लांट्स की बंदिश जो शेड्यूल नेपरा शेयर करण की हिदायत। पीपुल्स पार्टी बिजली के अगन में इम्कानी वाद रद्द कर छी। श्री रहमान चवाए तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करण से वाहपेदारन ते 40 अरब रुपये का वधीक बार पवंदो। गरीब आवाम के रिलीफ पैकेज देण जी दावेदार हर डी महंगाई जो बम केरन पाया। वाहपेदार महंगी LNG से बिजली पैदा करण जा जिम्मेवार आहिन। तबाई सरकार एक साल में बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 रुपये का वधीक इजाफो कयो आहे। महंगाई का परेशान आवाम मथा वधीक बार न विधो वञे। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तदा वहाब चवाए तो आइन मूजिब गैस जिता निकरे थी पैरियों हक उन सूबे जो है। सिंध सूबे के पेंजे हिस्से जी गैस नथी डिनी वने। PTI न गैस न बिजली आई न ई रोजगार दई सगी। गैस दवाओं खंड अटरे ए बिजली जो बोहरान पैदा थी वयो। मुल्क जो हर शहरी महंगाई सबब परेशान है। वफाकी हुकूमत पेंजी जिम्मेवारी पूरी करण में नाकाम थी चुकी। कराची जो अवाम दिसंदो PTI MQM छा कयो आई पीपल्स पार्टी छा करे रही है। सजी दुनिया में बयानिए जी जंग जारी आहे। हुकूमत समुंड पार पाकिस्तानियों के सहूलतू फराम करण ले कोशिशों वठे पई। असा सबनी के गर्जी पाकिस्तान ए अवाम जी खिदमत करनी आहे। परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी जो इस्लामाबाद में 41 सिफारती कोर्स की पुजानी वारी तकरीब के खिताब।
वफाकी राजधानी जो नव मकानी निजाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, मेयर की सीधी चूंड और डिप्टी मेयर के हटाने कानून के खिलाफ है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 की मौजूदगी में आर्डिनेंस जरिए नव निजाम गैर आइनी है। दरख्वास्त में मौकिफ, घरू सेक्रेटरी और कानून वाले सेक्रेटरी का 11 जनवरी तक जवाब तलब। वडे वजीर की ज़रात बाबत सलाहकार मंजूर हुसैन वसान की सदारत हेठ सिंध के फर्टिलाइजर्स कंपनी और डीलर जो इजलास। सिंध में भाण की खोट बाबत गौर विचार। मंजूर वसान जो चवण है तो सिंध के पैं हिस्से की यूरिया भाण की कोटा न पी मिले। सिंध के हारिन के वक्त सर जरई भाण मिलन घुर्जे। डीलर जो जी कोतायूं आन उ खत्म थियन घुर्जन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस से पुलिस जो छापो, ऑफिसरन का पुछा गाछा, रिकॉर्ड तलब। डीआईजी ओभर मुकद्दस हैदर नसरा टावर मामले की जांच लए एसएसपी ओभर अल्ताफ हुसैन की सरबराई में 5 रुकनी जांच कमेटी जोड़े छड़ी। जांच कमेटी में डीएसपी यूसुफ जमाल, इंस्पेक्टर खुशनूद निसार अहमद मेंबर तौर मुकर्रर किया गया। जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से नसरा टावर के जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल कर जांच कई। कराची में कस्टम इख्तियारिन पारा 6.25 मण मंशियात के बाहर दई साड़ियो वयो। 55,000 शराब जो बोतलू बिलडोज कई व्यू। साड़ियल मंशियात में हीरोइन, चर्स, नसवार, सोपारियों, माओ शामिल। कस्टम इख्तियारिन मूजिब जाया कैल शराब ए मंशियात की मालियत 2,47 करोड़ का वधिक है। चीफ कलेक्टर कस्टम दखन अब्दुल कादिर मेमर जो चवण है तो सिंध में बलोचिस्तान बेन पासन का मंशियात स्मगल थींदी है। हैदराबाद में अगूणे एमएनए गनी टालपुर के घर में धाड़े वाले वाक्य की जांच ले जेआईटी कायम। एसएसपी की सरबराई में 6 मेंबर के बदल गडल जांच टीम जोड़ी वही। जेआईटी के जांच करे 7 दिन अंदर रिपोर्ट देने की हिदायत। सांगड़ भरसा औरत जो फाहो खादल लाश हथ, वालदेन पारा मुड़स से कतुल जो इल्ज़ाम। गोठ टी जमड़ाव में परणल औरत पुठियाणी जो घर में फाहो खादल लाश मिलो। नारी के वालदेन संदस मुड़स से कतुल जो इल्ज़ाम मड़े छो। नारी के मुड़स राजू भील है तो संदस जाल आपघात किया है। इतला से सिंजोरो पुलिस लाश खड़ाए अस्पताल मुंतकिल कर। सखर की अदालत नौशरो फेरोज में गिरफ्तार तीन जवाबदार के 5 दिन के रिमांड से एफआईए हवाले कर छो। एफआईए सखर की टीम कार्रवाई कदे फोती औरतों के नाल से मोबाइल सिमू कढ़ाए फरार जरिए पैसा कढ़ाने के इल्जाम हेठ तीन जवाबदार तुफेल खलील बबन के गिरफ्तार कर वरतो। शाह लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर की शागिर्दियाणी खुशबू भट्टी के हिरासा कदर जवाबदार सफदर वसान अदालत में पेश। बिन डीहन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। राणीपुर पुलिस मूजिब सफदर वसान की शागिर्दियाणी से बदतमीजी करने वाले केस में जमानत थे है। खेस बिन शागिर्द धुरिन में थे झेड़े वाले केस में गिरफ्तार किया गया है। कुंभ में 3 साल अग पुरस्कार नमूने गुम थे नौजवान जो को पतो पैजी न सको। एहसन अब्बास मला के वारसन के अजा भी संदस ओसियड़ो कें सा दुश्मनी ना है। पुलिस इख्तियारियों नोटिस वी पुट की गोला में मदद कन फरहाद मला की अपील। सिंध में भाण की हथरादू खोट ब्लैक के विक्रे खिलाफ मुख्तलिफ शहर में एहतियाजी मुजाहरा। सांगड़ में यूरिया भाण की हथरादू खोट खिलाफ आबादगार हेठ जमड़ाव रोड से एहतियाजी मुजाहरो कयो। जाति में यूरिया भाण की खोट ब्लैक के विक्रे खिलाफ जमींदार एक्शन कमेटी आबादगार जो मुख्तियार कर ऑफिस गेट अगर मुजाहरो। शहदादकोट में सिंध आबादगार बोर्ड सियासी समाजी अखबारों को कोटू मोटू चौक से एहतियाजी मुजाहरो। नारेबाजी सेठार जामैब आबादगार एहतजाज
आबादगार अगवाड़न जो चुणाए तो यूरिया भार के डीलर हथरादू खोड़ पैदा करें 1750 रुपये की फोरी फी बोरी 2400 का 3100 रुपये ताई विक्रो कर रहा है। सिंध पुलिस नॉन वैक्सीनेटेड कोरोना जो शिकार फोत थियल ऑफिसर्स के माली फायदन ले ना अहल करार दई छो। सिंध पुलिस के वेलफेयर बोर्ड के इजलास में अहम फैसला, वैक्सीन न कराइंदड़ अहलकार के वबा में मुब्तला थियण की सूरत में 10,000 इमदाद रकम न मिली। कोरोना में फोत थियल नॉन वैक्सीनेटेड अहलकार के वारसन के ऐलान 5 लख रुपया इमदाद न मिलंदा।